नमस्कार, आप सबका स्वागत है विशाल गार्डनिंग 83 के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि एक जो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आम का प्लांट है, आम के प्लांट को आपने कैसे पॉट के अंदर लगाना है और कौन सी वैरायटी का चयन करना है। ये देखिए, जो हमारा आम का जो मैंगो का प्लांट है छोटे से हमने पॉट में लगा रखा है और ये काफ़ी स्वस्थ चल रहा है और इसके ऊपर अभी आम भी आ गया है और इस पर थोड़े समय के अंदर और मात्रा के अंदर फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बताते हैं कि आपने आम की कौन सी वैरायटी का चयन करना। आम की वैरायटी है जो गमले में आप लगा सकते हैं, जैसे कि एक जो काफ़ी जो आम के अंदर फेमस जो रहता है अल्फांसो आम के प्लांट्स हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं। ये प्लांट्स छोटे से हमने कैरी बैग के अंदर लगा रखे हैं और ये रेडी हैं शिफ्टिंग के लिए। पॉट्स के अंदर इसको हम लगाएंगे आने वाले समय के अंदर। और ये जो अल्फांसो आम है इसकी जो काफ़ी ज़्यादा जो है किस्म है जौन सी प्रचलित रहती है। इसके अलावा जो आम की और वैरायटियाँ आती हैं जिनको आप टेरेस गार्डन के अंदर इजीली शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो आम का प्लांट लेना है उसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने जो प्रजाति लेनी है आम की, बोनसाई ही प्लांट लेना है कोई सा भी, या हाईब्रिड प्लांट लेना है। बोनसाई आम के अंदर सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि ये प्लांट जो ग्राफ्टेड प्लांट होना चाहिए। ये देखिए, हमारा जो ये अल्फांसो आम का प्लांट है यहाँ से ग्राफ्ट करा हुआ है और ग्राफ्ट वाला प्लांट आपने वही लेना है जो तकरीबन आप जो कम से कम 9 इंच या 1 फुट के आसपास के ऊपर से ग्राफ्टिंग करी हो और ये बहुत ही जल्दी ही फ्रूटिंग देनी शुरू कर देता है। अगर आपने अपने प्लांट को, जो आम का प्लांट है, अगर बीज से आपने उगा रखा है तो उसके अंदर फ्रूटिंग होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है जोनसी कि जो आम का प्लांट है वो बोनसाई लेना है या हाईब्रिड लेना है। आम की जो वैरायटीज़ हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आम की जो है स्वर्ण रेखा वैरायटी का प्लांट है और ये भी हमने पॉट के अंदर लगा रखा है। ये भी बोनसाई प्लांट है और इसको लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको जो है मिट्टी का चयन करना है। आपने जो गमले के अंदर प्लांट लगाना है उसके लिए मिट्टी का चयन जो करना है, मिट्टी जो आपने यूज़ करनी है प्लांट्स के अंदर, बोनसाई प्लांट के अंदर आम की, आप 50% है जौन सी आपने जो गार्डन की सॉइल लेनी है और उसके अंदर 30% है जौन सा वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना है और 20% इसके अंदर नीम खली मिक्स कर सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा इसके अंदर जो है बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों का मिश्रण करके आपने गमले के अंदर इस प्लांट को लगाना है। जो गमले के अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी फ्रूटिंग देने वाला जो प्लांट है वो आम्रपाली है और ये ईज़िली ग्रो हो जाता है और ईज़िली आपके गार्डन के अंदर अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो ईज़िली ये फ्रूटिंग करनी शुरू कर देता है। आपको दिखाते हैं आम्रपाली का जो प्लांट जिसने हमें फ्रूट भी दे रखा है और ये बिल्कुल छोटे से हमने पॉट के अंदर लगाया हुआ है और ये रेडी है सेल के लिए। ये देखिए, आम्रपाली का जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लांट है, ये फ्रूट है और इसके प्लांट के ऊपर ये देखिए छोटे से हमने कंटेनर में लगाया हुआ है और इसके ऊपर फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं फ्रूटिंग के प्लांट्स हैं जो अभी फ्रूटिंग कर भी रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि एक ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा अनार का प्लांट है और ये भी बोनसाई है। इसको भी हमने छोटे से अपने ओवल शेप के जो गमले के अंदर लगा रखा है, ये देखिए, और ये बहुत ही स्वस्थ तरीके से चल रहा है। तो आपने मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे बहुत सारे जो गार्डनर हैं वो थोड़ा सा चाहते हैं कि फ्रूट के प्लांट्स हैं जो उनसे हम अपने गार्डन के अंदर लगाएं, कई उन्हें लगा भी रखे हैं लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं कर पाते। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया है कि आपने जो प्लांट्स हैं फ्रूटिंग का, कोई सा भी प्लांट है, उसके लिए आपने जो हाईब्रिड वाले प्लांट का चयन करना है या ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए, अमरूद का सफ़ेदा वैरायटी का प्लांट है ये और ये बिल्कुल छोटे से गमले के अंदर लगा रखा है हमने और ये बहुत ही स्वस्थ तरीके से चल रहा है। तो आपने जब भी जो भी फ्रूटिंग का प्लांट लगाना है, फ्रूटिंग का प्लांट लगाने के लिए आपको बोनसाई या ग्राफ्टेड या हाईब्रिड प्लांट का चयन करना है। और इसके अंदर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि इन प्लांट्स के अंदर आपको 15 से 20 दिन के बाद फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। जैसे कि आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के अंदर जल्दी अगर आपने फ्रूटिंग लेनी है तो इसके अंदर एनपीके का आप स्प्रे कर सकते हैं,
15 से 20 दिन के बाद प्लांट्स के ऊपर या प्लांट की मिट्टी के अंदर आप NPK दे सकते हैं या पोटाश दे सकते हैं या एप्सम सॉल्ट आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सब लोग अपना ध्यान रखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी दोस्त की फ्रूटिंग प्लांट्स या आम के प्लांट को लेके कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके हमारे से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं।